डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 किनशिप कास्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बंधुत्व जाति और वर्ग कहते हैं। आज हम चैप्टर 3 के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण। इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ एन इंडियन स्कॉलर V.S. सुतंकर, ए टीम ऑफ स्कॉलर्स इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। 1919 में एक भारतीय विद्वान V.S. सुतंकर के नेतृत्व में कुछ विद्वानों की टीम ने महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू किया। दे कलेक्टेड द मैनुस्क्रिप्ट ऑफ महाभारत रिटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में लिखी गई महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। दे सिलेक्टेड द वर्सेस दोज वर कॉमन इन ऑल द मैनुस्क्रिप्ट। उन्होंने उन सभी श्लोकों को चुना जो पांडुलिपियों में कॉमन थे, यानी कि जो श्लोक सभी पांडुलिपियों में थे उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया। इट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट दिस टास्क। इस कार्य को करने में 47 वर्षों का समय लगा। आफ्टर दिस वर्क दिस वर्स वर पब्लिश्ड इन सेवरल वॉल्यूम्स रनिंग इनटू ओवर 30,000 पेजेस। इस कार्य के बाद ये श्लोक एक 13,000 पेजों की पुस्तक में कई खंडों में प्रकाशित हुए। किनशिप एंड मैरिज, बंधुत्व और विवाह। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैमिली, परिवार। फैमिली इज ए प्लेस वेयर सम पीपल शेयर फूड एंड रिसोर्सेज। परिवार क्या होता है? परिवार एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ लोग परिवार के अंदर भोजन और संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनको शेयर करते हैं। फैमिली टाइज आर ऑफन रिगार्डेड नेचुरल एंड बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस। परिवार के जो रिश्ते होते हैं उनको प्राकृतिक माना जाता है और वो खून पर आधारित होते हैं, यानी कि उनको खून के रिश्ते कहा जाता है। पैटिलिनी, पितर वंशिकता। अंडर पैटिलिनी सम्स कुड क्लेम द रिसोर्सिस ऑफ देयर फादर आफ्टर डेथ। पितृवंशिकता का अर्थ है कि पिता के बाद बेटे का पिता के संसाधनों पर अधिकार होना। पितृवंशिकता के अंतर्गत बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। महाभारत इज ए स्टोरी ऑफ चेंजिंग रिलेशंस। महाभारत एक बदलते रिश्तों की कहानी है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड पावर। यह कहानी भूमि और सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के संघर्ष की कहानी है। और ये जो संघर्ष है बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स, दो चचेरे भाइयों में जिनको कौरव और पांडव कहा जाता था, उनके बीच में संघर्ष की कहानी है। दे बिलोंग टू द सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ कुरु। ये कुरु वंश के एक ही परिवार से संबंधित थे। डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपद, और यह कुरु परिवार एक जनपद पर शासन करता था। इन द एंड, अंत में दिस कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ। इन विच द पांडवास एमर्ज विक्टोरियस, जिसमें पांडवों की विजय हुई। आफ्टर दैट, उसके बाद पैटिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड। इस युद्ध के बाद पितृवंशिकता के द्वारा उत्तराधिकार की जो प्रथा थी उसकी घोषणा हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ ए किंग हिज एल्डर सन हैड द राइट ओवर द थ्रोन। जब एक राजा की मृत्यु होती थी तो उसके ज्येष्ठ पुत्र का राजगद्दी पर अधिकार होता था। मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज फॉलोड दिस सिस्टम। अधिकतर राज परिवारों ने इस प्रथा का पालन किया। रूल्स ऑफ मैरिज, विवाह के नियम। एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विच ए यूनिट। एंडोगेमी का मतलब होता है अंतर्विवाह पद्धति। रेफर्स टू मैरिज विद इन ए यूनिट, इसके अनुसार एक ही इकाई के अंदर विवाह करना होता था। दिस कुड बी किन ग्रुप, यानी कि गोत्र के अंदर, कास्ट के अंदर यानी कि जाति के अंदर, और एक ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी,
और एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के समूह में जब विवाह होता था तो उसको अंतर्विवाहपत्ति कहा जाता था। एक्सोगेमी, बहिर्विवाहपत्ति, रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। जब एक गोत्र के बाहर विवाह किया जाता है तो उसको हम बहिर्विवाहपत्ति का नाम देते हैं। सन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर पैटिलिनी, पितृवंशिकता के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। सो पीपल डिजायर्ड फॉर सन, इसलिए लोग पुत्रों की कामना करते थे। डॉटर्स वर लुक डिफरेंटली, पुत्रियों को अलग प्रकार से देखा जाता था। दे वर मैरिड एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन, उनकी सही समय पर सही व्यक्ति के साथ शादी कर दी जाती थी। दे हैड नो राइट ऑन हर फादर्स रिसोर्सेज, अपने पिता के संसाधनों पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था। कन्यादान वाज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर, कन्यादान करना एक पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम, सोशल नॉर्म्स चेंज्ड विद द एमर्जेंस ऑफ सिटीज, जैसे जैसे शहर उदय हुए सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन हुआ। सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, सामाजिक जीवन और अधिक जटिल हो गया। पीपल केम टू सिटीज टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, लोग अपनी वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए शहरों में आने लगे। दे शेयर्ड देयर आइडियाज, उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। दिस लेड टू क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जब लोगों का आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ तो जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही थी, जो प्राचीन व्यवहार चले आ रहे थे, उन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। टू चैलेंज दिस क्वेश्चंस, ब्राह्मण्स लेड डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट, इन प्रश्नों को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता लागू की। इट वॉज नेसेसरी टू एवरीवन टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, और यह सभी के लिए अनिवार्य था कि वो उस आचार संहिता का पालन करे। सी 500 BC, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, दिस कोड ऑफ कंडक्ट वर कंपाइल्ड इन रिलीजियस टेक्स्ट, ये जो आचार संहिता थी इनको धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया, नोन एज धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्रास, इनको हम धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट अमंग ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट, इन सभी धार्मिक पुस्तकों में मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ था। काइंड ऑफ मैरिजेस, विवाह के प्रकार, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास रिकॉग्नाइज 8 काइंड ऑफ मैरिजेस, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। इनमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह माने गए हैं। इन 8 प्रकार के विवाहों में पहले 4 प्रकार के विवाह को अच्छा माना जाता था, उनका अनुसरण किया जाता था, और जो बाद के 4 प्रकार के विवाह थे वो निंदित थे, उनको अच्छा नहीं माना जाता था। गोत्र, गोत्र सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस सी 1000 BC, गोत्र प्रणाली लगभग 1000 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई। द मेन एम ऑफ द सिस्टम, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है टू क्लासीफाई द पीपल एस्पेशली ब्राह्मण्स, लोगों का वर्गीकरण करना था, विशेष रूप से ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर ए वैदिक सीयर, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स, सभी जो व्यक्ति इस गोत्र से संबंध रखते थे उसको उसी वैदिक ऋषि का वंशज माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गौतम ऋषि, विशिष्ट ऋषि, कश्यप ऋषि, यानी कि जो गौतम ऋषि है उनसे गौतम गोत्र आया, जो विशिष्ट ऋषि हैं उनसे विशिष्ट गोत्र आया, जो कश्यप ऋषि हैं उनसे कश्यप गोत्र आया। नॉर्म्स ऑफ गोत्र, गोत्र के नियम, आफ्टर मैरिज वुमेन अडॉप्टेड द गोत्र ऑफ हर हस्बैंड, शादी के बाद स्त्रियों को अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र धारण करना होता था। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरिज, एक ही गोत्र के व्यक्ति
आपस में या एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। दिस सिस्टम वाज रिवर्स इन सातवान रूलर्स। सातवान शासकों में ये प्रणाली बिल्कुल विपरीत थी। वुमेन रिटेन देयर फादर्स गोत्र आफ्टर हर मैरिज। स्त्रियां अपने विवाह के बाद अपने पिता का ही गोत्र रखती थी। सातवान रूलर्स अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ पॉलीजीनियस। सातवान शासकों ने बहुपत्नी प्रथा को जारी रखा। इसका ये अर्थ है कि सातवान शासक एक से अधिक पत्नियां रखते थे। मैनी क्वींस वर फ्रॉम द सेम गोत्र। और बहुत सी रानियां तो एक ही गोत्र से थी। प्रिय छात्रों, जो आज हमने पढ़ा है इसमें अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई बात समझ में नहीं आए तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, और इस पेज को मैं अपने ग्रुप पर भी डाल दूंगा, वहां से इसको देखकर वो पढ़ सकते हैं।